अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स और डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर करूंगा, तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो बाकी शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसकी डेफिनेशन दी हुई है, उसके बाद मैंने इसकी करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। किसकी? सिंक्रोनिक की। ओके, अब जैसा कि आप देख सकते हैं सिंपल वर्ड्स में हैं और शॉर्ट है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हों, बर्डन ना हो, स्टूडेंट्स के लिए इजी हो। उसके बाद डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स है, जैसे मैंने पहले किया, अब इसकी भी मैंने डेफिनेशन दी हुई है, फिर इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। आप देख सकते हैं मैंने बारह अपनी वीडियोज़ में कहा है कि हमारे चैनल का भी मोटो रहा है कि सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करने हैं, सिंपल हों, ईजी हों और कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएँ स्टूडेंट्स के, और जिनको नोट्स बनाने में मुश्किल हो रही हैं वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें अपने एग्ज़ाम में, उनको याद करने में समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो वो ख़त्म हो सके। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर इनका डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, ये कंक्लूजन आ गया, ये कॉमेंट है। यहाँ पर आप कॉमेंट भी कर सकते हैं कि नोट्स आपको कैसे लगे, और ये भी कह सकते बता सकते हैं कि अगर आपको किसी तरह के नोट्स की ज़रूरत है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बावजूद आप वीडियो में भी कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको किसी तरह के नोट्स की अगर ज़रूरत है तो। बाकी आप देख सकते हैं कि और भी मैंने नोट्स जो है ना अपनी वेबसाइट पे, आपने ब्लॉग पे अपलोड किए हुए हैं, ये तो बस 3 जो है ना सजेस्टिव हैं, और भी बहुत सारे हैं, आपने जस्ट वहाँ पर जाकर सर्च करना है, जैसे सर्च का ऑप्शन भी आया हुआ है, और वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, बाकी आप सर्च भी कर सकते हैं linguistics01.blogspot.com। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।